हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने ग्रीन साड़ी लुक किया है, हरियाली तीज लुक किया है। वैसे हमारे यहाँ तीजा मनाया जाता है और मैं भी तीज उपवास रहती हूँ, तो उस दिन मैं जो लुक करूँगी उसको भी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। फ़िलहाल ये ग्रीन लुक मैंने आपके साथ शेयर किया है, बताइएगा ज़रूर कैसा लगा। तो बस शुरुआत तो वही, अपनी स्किन को थोड़ा सा मॉइस्चर देने के लिए टोनर और सीरम, जो कि मैं विटामिन सी का सीरम अभी यूज़ कर रही हूँ। ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, साइज सच में गाइस बहुत अच्छा सीरम है ये NY का और आपके बजट में भी है। दूसरा मैं जो ये मैंने ऑरेंज जेल खरीदा था उसको भी मैंने यूज़ किया है और ये NY का ही फाउंडेशन ले रही हूँ मैं। ये भी बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है लेकिन इसकी कवरेज जो है थोड़ी सी लाइट है, तो अगर आप लाइट मेकअप चाहते हैं तो आप इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मुझे ग्लोई मेकअप, ड्यूल मेकअप चाहिए था, तो मैंने उसमें अपना स्विस ब्यूटी का एलिमिनेटर यूज़ कर मिक्स किया है, तो जिससे कि बहुत ही प्यारा लुक आया था, जैसे कि आपने पिक्चर्स में देखी हैं। और मैंने उसकी कुछ रोपोसो भी शूट किए थे, तो मेरा रोपोसो ID भी है। तो फिर मैं कंसीलर लगा रही हूँ, कंसीलर क्योंकि ये बहुत ही लाइट फाउंडेशन है, कवरेज बहुत ही लाइट है, तो मुझे कंसीलर नीडेड लगा कि हाँ मुझे इसको यूज़ करना चाहिए। तो गाइस बस मैंने कंसीलर लगा लिया है और अब मेरा वेट एंड वाइल्ड का जो पैलेट है उसी में से मैं गोल्डन शेड ले रही हूँ, जो पूरी आईलिड पर मैं लगाऊंगी। ये थोड़ा सा मैंने अलग टाइप से किया है क्योंकि पहले ही मैंने अपने ब्रो बोन को हाईलाइट ना करना पड़े, पहले ही गोल्डन कलर यूज़ कर लिया। फिर ये किस ब्यूटी का जो मेरे मुझे ब्राउन शेड मिला था उसी को मैंने ले लिया है और अपनी पूरी आईलिड पे अच्छे से बस हाफ आईलिड पे लगाया है। और बस अब मैं ग्रीन शेड ले रही हूँ जो कि शिमरी नहीं है, बहुत ही लाइट है, मतलब कि ठीक है, मुझे मेरा डिज़ायर कलर इसमें मिल रहा था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसको शिमरी करने के लिए मैंने ग्रीन का शिमर भी लगाया इसमें, जो कि बहुत ही अच्छा है। और ये देखो थोड़ा सा इस बार का जो स्मोकी था थोड़ा हटके था, अलग था, तो बस मैंने पहले ग्रीन लगाया, फिर उसको उसके जितने भी एजेस थे, लाइंस थी, वो मैश हो जाए, मिल जाए करके मैंने ब्राउनिश शेड, ऑरेंजी शेड लगा लिया। बस अब देखिए मैंने ग्रीन शेड को फिर से लगा लिया, तो मेरा आई लुक तो कंप्लीट हो गया। अब मैं आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ गाइस, तो आईलाइनर थोड़ा सा मोटा ही लगाऊंगी मैं। तो कई बार क्या होता है, हम आईलाइनर लगाते हैं तो बिगड़ भी जाता है, तो मेरे साथ भी होता है गाइस, आप लोगों के साथ हुआ है कि नहीं हुआ है बताइएगा, ये भी सबके साथ होता है गाइस, क्योंकि ये होने ही होना है, कभी कभी हो ही जाता है। अब मैं व्हाइट पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, व्हाइट पेंसिल अगर आप लगाएंगे गाइस तो आपका जो आईज बहुत ही ज़्यादा खुल के उभरी उभरी से दिखेंगी। अब मैंने मेरा लैशेज भी लगा लिया है, ये मुझे बहुत पसंद है, ये लैशेज बहुत ही प्यारी प्यारा लुक देते हैं, आप भी ट्राई कीजिएगा इसको। तो बस अब लोअर लैशेज का भी मेकअप कंप्लीट करना है, तो मैंने वही शेड जो अपने ऊपर की आईलिड पे लगाया है उसको नीचे लोअर लैशेज में लगा रही हूँ, ऑरेंजी ब्राउन शेड मिक्स करके। और बस थोड़ा ही देर में मेरा लुक कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग ज़रूर बताइएगा गाइज। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मोटिवेशन मिलता है गाइज आपको, मतलब कि अगर आपको वीडियो बनाना है, वैसे भी मेरा नया नया चैनल है, मुझे लगता है कि हाँ अगर सब्सक्राइबर अच्छे हों, व्यूज अच्छे हैं, तो मन करता है बनाने का। तो बस मैं अब अपना जो कंटूरिंग कर रही हूँ, मेरा फेस थोड़ा सा भरा भरा सा है, मेरे गाल थोड़े से भरे भरे से है, तो मुझे कंटूरिंग लगता है हाँ लाजमी लगता है करना चाहिए। और मेरी नोज भी मैंने इसको कंटूर कर लिया, देखिए मैंने मांग टीका और पूरा ग्रीन ज्वेलरी वियर की है, जो बैंगल्स भी है ग्रीन है, मैंने मस्कारा भी अब अप्लाई कर लिया लोअर लैशेस पे। तो बस गाइज आपको मेरा लुक कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइएगा, और एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमको करना चाहिए करके। बस मैंने जो लिपस्टिक यूज़ की है वो पीची शेड में है और वो मियोन की लिपस्टिक है, और उसी का ही जो पीछे में एक स्टिक भी आती है, मतलब लिक्विड भी रहता है और दोनों टाइप से आता है, तो मैंने उसी को अपने चिक्स पे लगा लिया है और उसको ब्लेंड कर लिया है। मेरी जो लिपस्टिक मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब इतना अच्छा उभर रहा नहीं था, तो मैंने उसको थोड़ा सा और लाइट किया, क्योंकि अगर आप अपने आईज को बोल्ड करते हैं तो अपने लिप्स को बहुत ही न्यूट्रल रखिए, बहुत ही प्यारा लुक आएगा। तो बस ये मैंने कर लिया। अब मैंने अपने गोल्डन जो लाइनर लिया है उसी को ही मैं अपने
आइज के इनर कॉर्नर पे लगा रही हूँ। बहुत ही अमेजिंग लुक आता है गाइस जब आप अपने इनर कॉर्नर को किसी भी शेड से हाईलाइट करते हो, गोल्डन कलर से, सिल्वर से, बहुत ही अच्छा आता है। पहले मैं ट्राई नहीं करती थी लेकिन अब ट्राई करना शुरू कर लिया है। अब मैंने शिवाना का ही हाईलाइटर यूज़ किया है, बहुत ही अच्छा हाईलाइटर है। और हाईलाइटर अभी फ़िलहाल मेरे पास इतने नहीं है गाइस, मेरे पास स्विस ब्यूटी का और ये बस है, तो जो है सो है। बस मैं उसको अपने लिप्स में भी लगा ले रही हूँ और मुझे नीचे भी लगाना अच्छा लगता है, लिप्स के नीचे बहुत ही प्यारा लुक आता है एकदम। बोलना चाहिए किस टाइप से जो चाइनीज़ वगैरह रहता है ना, उस टाइप का थोड़ा अलग ही लुक आता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो ये मेरा लुक कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। ओके बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।